अमेरिका की इस रिसर्च कंपनी का नाम तो आपने सुना होगा, जो बड़े बड़े लोगों की झोल वाली खबर से उनको ला देता है जमीन पर। दुनिया की टॉप 10 सूची में शामिल भारत के अमीर शख्स की 60% दौलत खत्म कर दी। अब इस रिसर्च कंपनी का अगला निशाना कौन बड़ा कारोबारी होगा? अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने एक ट्वीट ने बिजनेस की दुनिया में सरगर्मी तेज कर दी है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट के बाद एक नई रिपोर्ट लाने के संकेत दिए हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार शॉर्ट सेलिंग फर्म ने जानकारी दी है कि जल्द ही एक रिपोर्ट आने वाली है और इसमें बड़ा खुलासा किया जाएगा। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें ग्रुप कंपनियों के बारे में कई नेगेटिव बातें थी। इस रिपोर्ट के बाद ही अडानी ग्रुप कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। खुद गौतम अडानी की दौलत में भारी गिरावट आई और वो अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 से बाहर हो गए। गौतम अडानी की फर्म पर बड़ा खुलासा करने के बाद हिंडनबर्ग ने अब एक और बड़ा खुलासा करने का संकेत दिया है। हिंडनबर्ग ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और कहा है कि जल्द ही नई रिपोर्ट आने वाली है और ये रिपोर्ट कई बड़े खुलासे कर सकती है। कंपनी के ट्वीट के बाद अब चर्चा इस बात की है कि आखिर अडानी के बाद अगला निशाना कौन होगा। हालांकि ये रिपोर्ट जरूरी नहीं है कि किसी इंडियन फर्म या ग्रुप या कारोबार पर हो, इसलिए दुनिया भर में इसकी चर्चा है। कई लोग इसे अमेरिकी बैंकों के बारे में होने का अंदेशा जता रहे हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट तब लाने की बात कही है कि जब ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस चल रही है, अमेरिका में सिलिकॉन वैली डूब चुका है तो सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अमेरिका के आधा दर्जन से ज्यादा बैंक डूबने का खतरा मंडरा रहा है। नॉर्थन एंडरसन के नेतृत्व वाली शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग ने साल 2017 के बाद से अब तक दुनिया के करीब 16 कंपनियों में कथित गड़बड़ी को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की है। अडानी ग्रुप पर निशाना लगाने से पहले साल 2022 में ट्विटर इंक को लेकर भी एक रिपोर्ट जारी की थी। कंपनी ने सितंबर 2020 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों के निर्माता निकोला कॉर्प पर रिपोर्ट तैयार किया था, जिसके बाद इस कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।